एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच आज हम एंड uh, करेंगे हमारे दुर्खेम को विद इट्स क्रिटिसिम एंड देन वी विल स्टार्ट वेबर का भी मैं आपको थोड़ा इंटरव्यू दे दूंगी ठीक है आई होप मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा आपने और मैंने आपको कहा था कि पहले थोड़ा सा पढ़ के आए चले अगर आपने नहीं भी किया है बट स्टिल मुझे पढ़ाना तो है ही दुर्खेमेम्स थियरी ऑफ रिलीजन वॉज क्रिटिसाइज ऑन फॉलोइंग ग्राउंड ठीक है किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया उससे पहले मैंने आपको लास्ट uh, में एक हमने यहाँ स्टेटमेंट पढ़ा था कि उन्होंने कॉजल पता नहीं वो कहाँ होगा वो ऊपर देख लेना कि उन्होंने कॉजल फिनमिना दिया था कॉजल एक्सप्लेनेशन दी थी दैट मीन्स कोई एक कॉज था और कोई इफेक्ट हुआ था ये हुआ कॉजल जो आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होता है क्योंकि वो एक पॉजिटिविस्ट थियोरिस्ट थे, थे तो उन्होंने कॉजल एक्सप्लेनेशन की बात की थी और तब उन्होंने कहा था एक सिंपल रिलीजन को लिया था क्योंकि मॉडर्न रिलीजन कॉम्प्लिकेटेड है मॉडर्न सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करना उतना इजी नहीं है आप इसको एक्सप्लेन करके जनरलाइज वही सेम पुट कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटीज के रिलेशन में भी तो यहां पे जो हमने कल का वीडियो देखा था इससे पहले का वीडियो तो क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है आप खुद भी अगर आप सोचने की कोशिश करें मैंने आपको कलेक्टिव एफरवे वाला कॉन्सेप्ट कहा था कलेक्टिव effervescence अब मैं सारा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको पता होगा अगर नहीं याद है तो गो अगेन गो थ्रू द वीडियो कलेक्टिव effervescence उसका कॉज था और उसका इफेक्ट क्या हुआ था किस रूप में आया था आपके सामने पॉटेम वर्शिप के तो उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी रिलीजन की जो उनका कॉन्सेप्ट था उसको पुट फॉरवर्ड करने के लिए

किसी को स्टडी करके इन्होंने ये चीज़ कही थी म्यूडेन की कि कोई इंडिजिनस कल्चर में ऐसी चीजें होती हैं जो आ, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी वो रिसर्चर हैं तो वो ओवरलुक कर देते हैं उसको मेन डोमिनेंट चीज़ों से तो वो चीजें भी आपकी रिलेटेड होती हैं आपके रिलीजन से या आपकी सोसाइटी से क्योंकि वो आपका इंडिजिनस कल्चर है वो आपके कल्चर से भी रिलेटेड हो सकती हैं तो म्यूडेन चीजों उन्होंने उनको म्यूडेन का नाम दिया था और कहा था कि दुर्खीम ने वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी हैं दुर्खीम ऑल्सो एक्सप्लेन बाई अ पर्टिकुलर टोटम इज कि क्यों कोई जो क्लान होता है वो एक पर्टिकुलर टोटम ही चूज करता है अपने लिए और कहीं कहीं पे किन्नी सोसाइटीज में मल्टीपल टोटम्स भी होते हैं ये रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया था तो दुर्खीम को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये चीजें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी ये जो थ्योरी है इसको आमचेय थ्योरी बोला है बेलनॉस की ने क्योंकि उन्होंने विजिट नहीं किया था और इंडिया ट्राइब को इवन वंस आमचेर स्कॉलर्स आपके वो होते हैं ना जिनको की की बोर्ड वॉरियर्स भी बोला जाता है जो अपने ऑफिस में अपने घर में एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की बातें करेंगे तो वो क्या करेंगे फेसबुक पोस्ट डालते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे और खुद वो सारा दिन एसी चला रहे हैं ठीक है जो अः स्कॉलर्स होते हैं वो उन ट्राइब्स में नहीं जाते हैं विजिट करने के लिए वो अपने घर में बैठ के वो थियोरीज दे रहे होते हैं तो ज्यादा आप कैसे उन उनपे रिलाई कर सकोगे उनकी जो थियोरीज हैं उन उनपे इंपेरिकल बेस ऑफ तो इस थियोरी वॉज वेरी नैरो जनरलाइजेशन ऑफ ए प्रिमेटिव रिलीजन टू मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड रिलीजन इज अ बिट फार फेस्ट ठीक है आपने एक छोटी सी ट्राइब को स्टडी किया और आप बोल रहे हो पूरी दुनिया को आप ग्लोबल रिलीजन का उससे रिलेट कर रहे हो तो इट्स अ बिट फार फेस्ट आइडिया ऐसा नहीं होता है एडमंड लीच ने कहा प्रोफेनिटी एंड सेक्रड आर टू एक्सट्रीम्स और जो सारे सोशल एक्शन होते हैं है वो इनके बीच में ही होते हैं कुछ एक चंद लोग सेक्रेड होंगे कुछ एक चंद लोग प्रोफेनिटी जो या प्रोफेन एक्शंस है वो प्रोफेन चीजों को प्रोफेन बोलते होंगे मोमेंटिक्स ने कहा था प्रोफेनिटी और सेक्रेट जो है दो एक्सट्रीम एंड्स हैं कुछ लोग ये फॉलो करते हैं कुछ लोग ये फॉलो करते हैं लेकिन जो एक्चुअल सोशल एक्शंस है वो सारे इसके बीच में आते हैं स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट इज नॉट रिलीजन बट सेक्युलरिज्म जो सोसाइटी को बाइंड करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइक सोसाइटीज में खासकर एंड एज आइडियाज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल सोसाइटीज दुर्खेम के आइडियाज ठीक है और मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइज सोसाइटीज में सेक्युलरिज्म बाइंड कर रहा है सोसाइटी को उन्होंने कॉज ऑफ सोलडारिटी इन मल्टीकल्चर पॉलिथिस्टिक सोसाइटी जो अलग रिलीजन फॉलो करती है लाइक like इंडिया वो भी उन्होंने उनकी थेरी ने एक्सप्लेन नहीं किया ही इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय रिलीजन रिलीजन को रूट कॉज ऑफ ऑल चीजें भी जो होती हैं सोसाइटी में वो भी बोला जाता है

अगर आपको दुर्खीम की कोई भी थ्योरी आ जाती है किसी भी थिंकर की आते हैं चाहे आप उनसे अग्री करें ना करें आपको हमेशा अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना होगा तो इन दो पैराग्राफ से आप एक पॉजिटिव जो कंक्लूजन है वो का, वो दुर्खीम का बना के रख सकते हैं ऑलरेडी और अपने आंसर्स में फिर वो लिख सकते हैं फाइन तो वहां पर आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका जो आंसर है वो कंक्लूजन और इंट्रो एटलीस्ट जो है वो तैयार होगा दुर्खेम के मस्ट नीडेड सब्जेक्ट मैटर टू दिशन डिसिप्लिन इन्होंने एक डायरेक्शन तो दिया ना कि कैसे स्टडी करो तो इन्होंने जैसे सुसाइड है एक इंडिविजुअल फिनमिना है इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में उसको एक्सप्लेन किया जाता था इन इनकी थियोरीज ने हेल्प किया सोशल थिंकर्स को उसको भी एक ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझने के ठीक है तो हिज अट लाइज इन हिज अप्रोच टूअर्ड्स एस्टेबलिशिंग सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी उन्होंने अपनी थीरीज से एक्सप्लेन किया कैसे ऑर्डर मेंटेन होता है कैसे ऑर्डर रहता है सोसाइटी में उनके जो कॉन्सेप्ट डिविजन ऑफ लेबर के वो उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्लोबल डिविजन ऑफ लेबर ठीक

सोसाइटी पे फाइन ये हुआ इनका एक पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे आप अपना आंसर एंड करोगे तो दुर्खेम इज कंप्लीट हो गया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए नहीं होंगे तो गो थ्रू दीडियो वीडियोज अगेन ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिविजन सीरीज भी लेके आऊंगी जिसमें एक एक वीडियो में हम एक एक थिंकर को जल्दी से रिवाइज करेंगे उनके सारे कॉन्सेप्ट के जो बेसिक बेसिक आइडियाज हैं वो हम हाँ, रिवाइज करेंगे वहां पे तो वो आप नहीं डरना कि हर बार आपको लंबे वीडियोस देखने होंगे रिविजन सीरीज भी आएगी अभी आप जस्ट स्टिक टू दीज वीडियोज ये वीडियो देखें बार बार अपने नोट्स बनाए एटलीस्ट ये काम जो है वो आप करके रखें तो फिर रिविजन के लिए डोंट वरी टू मच वो सीरीज भी मैं लेके आऊंगी ऑफ कैपिटलिज्म uh, ये हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहले वेबर के बारे में थोड़ा इन्होंने माइक्रो एनालिसिस की बात की इंडिविजुअल्स को एनालाइज करो इंडिविजुअल्स के एक्शंस को ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करो ज्यादा ग्रैंड बातें नहीं करो छोटे लेवल पे चीजों को देखो तो इनको इंटरप्रिटिविस्ट बोला जाता है इंटरप्रिटेटिव इंटरप्रटेटिव स्कूल से बिलोंग करते थे दैट कि आप चीजों को लोगों के मीनिंग से इंटरप्रेट करो अगर मैं कोई एक्शन कर रही हूँ उस एक्शन के पीछे मेरा क्या मीनिंग है मेरा क्या मीनिंग है उस एक्शन के पीछे उसको इंटरप्रेट करो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करो सोसाइटी को समझने के लिए आपको छोटी चीजों को एनालाइज करना होगा ये इनका बेसिक फंडा है वेबर को समझने का

उन्होंने ही आइडिया uh, मतलब की बात की थी तो इन दो जो स्कूल्स ऑफ थॉट है उनको उन्होंने कंबाइन किया था उनके गैप को ब्रिज किया था और तो माइक्रो तो एनालिसिस की बात करते थे लेकिन ये आपको साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए ही एडवोकेट कर रहे हैं इसीलिए आप उनको बोल सकते हैं इन्होंने बेस्ट ऑफ जो चीजें वहां पे उस टाइम पे चल रही थी बेस्ट ऑफ ऑल लेके अपनी थियरीज जो है वो पुट फॉरवर्ड की काफी एक बैलेंस थिंकर थे अच्छी थियरीज हैं इनकी आप पढ़ोगे तो आई होप आपको मजा आएगा इनकी आइडियोलॉजी समझने में स्टिकिंग टू पॉजिटिविज्म ही फेवर ऑफ साइंटिफिक और आइडियलिज्म आइडियलिस्ट लाइक न्यू कैंटिनियंस से न्यू कैंट uh, से इंस्पायर होके ही डेवलप द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एज

और जल्दी सेल्सो we'll मतलब इसको नहीं फिनिश करेंगे इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ के फिनिश करेंगे एंड देन टू दी नेक्स्ट थिंकर आगे फिर ज्यादा बड़े नहीं है आई गे पार्सन मर्टन और मीड हमारे रहते हैं तीन उनके कम कम कॉन्सेप्ट ही हैं जो हमें समझने हैं अगर आप बुक से वो पढ़ेंगे बिना मतलब एक बार ही पढ़ लिया फिर आपका वीडियोस देख के वो समझना इंपॉर्टेंट है, है क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं ऑल दो तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उन तीन थिंकर्स के तो वेबर के बाद हम वो स्टार्ट करेंगे तो so, जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ बाय बाई टेक यू हैव अ ग्रेट डे और ज़रूर डू गिव अ थम्स अप लाइक सब्सक्राइब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फ्री है बस क्लिक ही करना है मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्नोलेज करें अप्रिशिएट करें बस उसको लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बाई टेक ये हैव अ ग्रेट डे